आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में से किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। दोस्तों पूछा गया है कि वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में से किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। पहला विकल्प है Fe, दूसरा है Cr, तीसरा है CO, चौथा है Ni। ठीक है, यदि हम इन तत्वों का परमाणु क्रमांक देखें दोस्तों, तो Fe का 26, Cr का क्रोमियम का 24, CO कोबाल्ट का 27 और Ni निकल का 28। अर्थात ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये सभी संक्रमण तत्व है। पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक के रूप में, तो उत्प्रेरक का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती हो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी के निर्माण के लिए हम जानते हैं कि वनस्पति घी का निर्माण क्या होता है दोस्तों, उच्च दाव पर निकेल, यानी कि जो वनस्पति घी का निर्माण होता है दोस्तों, उच्च दाव पर निकेल यानी कि Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या उपस्थित है दोस्तों, निकेल। ठीक है, जो कि उत्प्रेरक है, जो कि अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है। तो पूछा गया कि वनस्पति घी के निर्माण में संक्रमण तत्व में से किसका प्रयोग उत्प्रेरक के में किया जाता है, तो चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर होगा, निकेल का उपस्थिति से अभिक्रिया की दर या गति में वृद्धि होती है, अर्थात यह उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति घी के निर्माण में उपस्थित होता है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।